हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान को भी दिखा दिया भारत का हिस्सा, पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारतीय दूतावास के सामने इकट्ठा हुए खालिस्तानी समर्थक भारतवंशियों ने तिरंगा लहरा कर दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, दो आतंकी भी हुए हैं गिरफ्तार, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां फ्रांस से करीब इतने और राफेल खरीदेगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, इंडियन नेवी में होगी बहुत बड़ी तैनाती, पीएम मोदी जी की यात्रा में होगी सबसे बड़ी डील की सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों आपको बताएंगे। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान को दिखाया भारत का हिस्सा, पाकिस्तान में मच गया हड़कंप, ऑफिशियल अकाउंट किया गया ब्लॉक। बता दें, एलन मस्क की कंपनी ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक खाते को ब्लॉक कर दिया है। इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों को भारत के लोकेशन में दिखा रहा है। इसके अलावा जब पाकिस्तानी यूजर एप्लीकेशन पर लोकेशन फीचर चालू करते हैं तो एरिया से भेजे गए ट्वीट्स को भारत के कश्मीर से आने वाले ट्वीट्स के रूप में दिखाया जाता है। ट्विटर से जुड़ा गिलगित बाल्टिस्तान का मामला तब सामने आया जब गिलगित बाल्टिस्तान में कई ट्विटर यूजर्स ने शिकायत की है कि वे पाकिस्तानी सरकार से जुड़े अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में जब यूजर सरकार से जुड़े अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश की तो एक मैसेज शो हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि कानूनी वजहों के चलते ये अकाउंट भारत में ब्लॉक है। भारत में साल 2023 मार्च के दौरान पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक अकाउंट पर बैन लगा दिया गया है, तो वहीं साल 2022 में पाकिस्तान से जुड़े अकाउंट को कानूनी शिकायतों पर दो बार ब्लॉक कर दिया गया था। इस बीच गिलगित के रहीमाबाद इलाके के निवासी यासिर हुसैन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं गिलगित बाल्टिस्तान में हूं और ट्विटर पाकिस्तान के ट्वीट नहीं दिखा रहा है, मैं फॉलो किए जाने वाले अलग अलग अकाउंट के ट्वीट में क्यों नहीं देख पा रहा हूं। हुसैन ने पाकिस्तानी अखबार डॉन को बताया कि जब उन्होंने अपने ट्वीट में लोकेशन को जोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि एप्लीकेशन उन्हें गिलगित बाल्टिस्तान के बजाय भारत के जम्मू कश्मीर में होने का लोकेशन दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा दिखा दिया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में ही हड़कंप मच गया। चलता अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय दूतावास के सामने इकट्ठा हुए खालिस्तानी समर्थक भारतवंशियों ने तिरंगा लहराकर दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तान समर्थकों ने शनिवार यानी 8 जुलाई को अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में खालिस्तानियों ने कनाडा के टोरंटो में भी भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। हालांकि यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतवंशियों ने तिरंगा लहराकर आतंकियों का मुकाबला किया। दोस्तों इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक तरफ खालिस्तानी समर्थक भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनके मुकाबले करने के लिए अच्छी खासी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ एकजुट हुए, तो वो लगातार तिरंगा लहराकर आतंकियों का विरोध करते रहे। जी हां, गौरतलब है इससे पहले लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर 30 से 40 खालिस्तानी समर्थकों के इकट्ठा होने की खबर आई थी। मसला स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच का है। मौके पर यूनाइटेड किंगडम पुलिस भी पहुंच गई थी। हालांकि कुछ ही देर बाद खालिस्तानी समर्थकों ने जगह को खाली कर दिया और वहां से भाग निकले। दोस्तों मामला ऐसे वक्त सामने आया है जब सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में खालिस्तानी समर्थक भारतीय उच्चायोग को निशाना बना रहे हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थक समूहों द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में बहुत कम लोग शामिल हुए। बता दें कि कनाडा की सड़कों पर जब खालिस्तानी प्रदर्शन करने आए, उसके बाद जो भारतीय लोग वहां पर उसको जवाब देने आए दोस्तों, जिसके बाद पूरे कनाडा की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ भारत का तिरंगा ही दिखाई दे रहा था। दोस्तों खालिस्तानियों का झंडा पूर्ण रूप से दब चुका था, यानी कि खालिस्तानियों पर भारतीय नागरिकों ने अपने आप को उन पर भारी कर दिया दोस्तों, और खालिस्तानी को वहां से भगाने में भारतीयों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। और इसको खालिस्तानियों के विरोध में प्रदर्शन का मुंह तोड़ जवाब माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही खालिस्तान समर्थकों ने एक पोस्टर जारी करके शनिवार को प्रदर्शन की धमकी दी थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इसमें दो आतंकी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान खालिस्तानी समर्थक समूह ने भारतीय समर्थक दल पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया और हिंसा भड़का रहे एक व्यक्ति को पुलिस अपने साथ लेकर गई। इसी दौरान एक युवक ने पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया, जिसको भी गिरफ्तार किया गया, यानी दोनों खालिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां दोस्तों,
फिलहाल भारतीय जनता ने खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है विदेशों में जाकर के। ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में प्राउड टू बी एन इंडियन कमेंट में भारी मात्रा में भर भर कर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पड़ोसी मुल्क के पानी से मछली पकड़ने का बड़ा आरोप, श्रीलंका ने फिर 15 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, श्रीलंका की जल सीमा में प्रवेश कर कथित रूप से मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने मछली पकड़ने वाले 2 जहाजों पर सवार 15 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान में रविवार को इसकी जानकारी दी गई। श्रीलंका की नौसेना ने एक बयान में बताया है कि नौसेना और तटरक्षक बल ने 8 जुलाई की रात को श्रीलंका में अवैध रूप से मछली पकड़ने में लगे भारतीय जहाजों को खदेड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। बयान में कहा गया है कि जाफना में डेल्फ्ट द्वीप पर चलाए गए अभियान में 15 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कहा गया है कि मछुआरों को गिरफ्तार कर उनके पास से जब्त किए गए मछली पकड़ने वाले जहाजों को कांके संथुराई बंदरगाह लाया गया और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए मेलालडी मत्स्य निरीक्षक को सौंप दिया गया। श्रीलंकाई नौसेना ने पिछले महीना अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में तमिलनाडु के 22 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। जी और इस साल 74 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। बात करते दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां फ्रांस से करीब 30 और राफेल विमान खरीदेगा अपना भारत, इंडियन नेवी में होगी इसकी बड़ी तैनाती। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा में होगी सबसे बड़ी डील। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत को अब राफेल लड़ाकू जेट के 9 सैनिक या समुद्री वेरिएंट की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले हफ्ते फ्रांस की यात्रा से पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में अंतिम फैसला होने की संभावना है। पीएम मोदी जी 13 से 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में फ्रांस की यात्रा पर होंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच कई डिफेंस डील होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच जॉइंट डिफेंस प्लेटफॉर्म पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। इसके अलावा मोदी सरकार फ्रांस से इंडियन नेवी के लिए राफेल विमान के समुद्री वेरिएंट की खरीदारी के लिए समझौता कर सकती है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच अरबों डॉलर की डिफेंस डील होने की संभावनाएं हैं। माना यह जा रहा है कि भारत सरकार फ्रांस को करीब 24 से 30 राफेल मरीन जेट विमानों का ऑर्डर दे सकती है। इससे पहले रिपोर्ट थी कि अमेरिका के F-18 सुपर हार्नेट विमान को लेकर भी बातचीत की गई थी, लेकिन इंडियन नेवी ने राफेल विमान को लेकर अपनी पसंद जाहिर की है। हालांकि फ्रांस के साथ नेवी राफेल की डील की कीमत क्या होगी इसकी फिलहाल जानकारी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इस राफेल विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी जी को इस डील के लिए और भारत के लिए चीजें बेहतर कर पाएंगे इसके लिए ऑल द बेस्ट मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। एडवांस में चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत की दोस्ती पर इतराया बांग्लादेश, ड्रैगन को दिखाई आंखें, कह दिया चाइना के पिछला गुण नहीं है हम। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री यानी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने शनिवार को कहा कि उनका देश संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और वो किसी भी देश के अधीन नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका देश चाइना का पिछलग्गू नहीं है। मोमेन ने यह भी कहा है कि निकटतम पड़ोसी भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बहुत मजबूत हैं और हम भारत के साथ अपने संबंधों में एक सुनहरे अध्याय में हैं। मोमेन ने विदेश सेवा अकेडमी में डिप्लोमेटिक रिपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के सदस्यों के साथ बातचीत में कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम चाइना की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम किसी की ओर नहीं जा रहे हैं। चीन से बस इतना रिश्ता है। जी हां दोस्तों, उन्होंने चाइना को विकास भागीदार बताया, लेकिन ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है कि बांग्लादेश को चीनी ऋण जाल में फंसाया जा सकता है, जैसा कि कुछ समूहों द्वारा प्रचार किया जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश किसी भी देश के अधीन नहीं है और विशेष रूप से ढाका का झुकाव कभी भी चाइना की ओर नहीं रहा है, क्योंकि वो संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति रखता है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने आंख दिखाते हुए चाइना को साफ साफ लफ्जों में कहा है कि हम तुम्हारे पिछलग्गू नहीं है, हम चीन के पिछलग्गू नहीं है। मोमेन ने भारत के साथ ढाका के संबंधों को काफी मजबूत बताया और कहा कि हम भारत के साथ अपने संबंधों में एक सुनहरे अध्याय में हैं। आपको बता दें कि चीन की कर्ज देने वाले ट्रैप पॉलिसी यानी जाल में फंसा करके कर्ज देने वाली पॉलिसी अब बाकी मुल्कों को भी समझ आ चुकी है। चीन पहले ही भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को अपने इस जाल में फंसा चुका है और उसका हम्बनटोटा बंदरगाह पर 99 साल की लीज पर चाइना के पास जा चुका है। तो वहीं पाकिस्तान को भी चाइना ने अपने कर्ज तले दबा रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इंडोनेशिया में 55.07 अरब डॉलर का निवेश किया है। बहरहाल दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए
मामले फिर नामांकन दाखिल करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर जी। आखिर कब हो रहा है इनका कार्यकाल खत्म, आपको बता दें सारी जानकारी। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी सोमवार यानी 10 जुलाई यानी आज को गुजरात राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। कुल 10 राज्यसभा सीटों पर इसी महीने चुनाव होना है, जिसमें गुजरात की 3 सीटें शामिल हैं। इनमें से एक सीट के लिए जयशंकर जी आज दोपहर 12 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर चुके होंगे। अगस्त में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म भी हो रहा होगा। जयशंकर जी के अलावा गुजरात से राज्यसभा सांसद दिनेश जेमल भाई अनावडिया और लोखंडवाला जुगल सिंह का भी कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो रहा है। उधर कांग्रेस ने गुजरात राज्यसभा चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि राज्य विधानसभा में उसके पास ज्यादा सीटें नहीं है। गुजरात में कांग्रेस अध्यक्ष मनीष दोषी ने बताया कि पार्टी ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में अच्छे आंकड़े हासिल नहीं किए हैं, इसीलिए इस बार फैसला लिया है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। देश के 3 राज्यों की कुल 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल शामिल है। पश्चिम बंगाल की 6, गोवा की 1 और गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं दोस्तों, कितने लोग चाहते हैं कि जयशंकर जी को फिर से जीत मिल करके वो फिर से विदेश मंत्री बने, कितने लोग चाहते हैं दोस्तों, कमेंट में भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। और आज जितना ज्यादा से वीडियो को अपने भाई बंधुओं में शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इस्लामिक स्टेट का प्रमुख आतंकी हुआ ढेर, अमेरिका ने सीरिया में ड्रोन से दिया हमले को अंजाम। जी हां दोस्तों, बिल में छुपा बैठा था आईएसआईएस का ये सबसे बड़ा नेता, अमेरिकी ड्रोन ने हमला करके यूं मार गिराया। आपको बता दें अमेरिकी सेना ने इस्लामिक स्टेट के एक प्रमुख नेता उसामा अल मुजाहिर को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिकी सेना ने रविवार को इस बारे में घोषणा की। इसके मुताबिक टारगेटेड स्ट्राइक में पूर्वी सीरिया में स्थित इस्लामिक स्टेट के प्रमुख नेता को मार गिराया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक बयान के अनुसार हमला शुक्रवार को MQ-9 ड्रोन का उपयोग करके किया गया था। करीब 2 घंटे तक चलने वाली घटना के दौरान इस ड्रोन को रूसी विमान के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को दिन में करीब 2 घंटे तक चली मुठभेड़ में रूसी विमानों ने MQ-9S ड्रोन को परेशान किया था। बाद में इसी ड्रोन ने हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी वायुसेना ने बुधवार को ड्रोन और रूसी लड़ाकू विमानों के बीच मुठभेड़ को कथित तौर पर कैद करने वाले वीडियोस फुटेज जारी किए। ये MQ-9 रिपर्स के लिए युद्धाभ्यास की जरूरत को दर्शाता है। घटना पर चिंता जताते हुए अमेरिकी वायुसेना ने एक बयान में सीरिया में सक्रिय रूसी वायुसेना की कार्रवाई की निंदा की, साथ ही साथ उन्हें गैर पेशेवर और असुरक्षित करार दिया। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बताते हैं, जहाँ श्रीलंका के 2 करोड़ लोगों को भारत ने दिलाया सबसे बड़ा भरोसा। कोलंबो में हुआ ये सबसे बड़ा ऐलान सुनकर झूम उठे श्रीलंकाई लोग। जी हाँ दोस्तों, भारत जैसी मदद किसी ने नहीं की। श्रीलंका ने खराब आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए भारत का बाद में धन्यवाद भी किया। आपको बता दें दोस्तों बड़ी खबर, जहाँ भारत ने अपने समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए एक बार फिर बड़े भाई जैसा दिल दिखाते हुए उसकी मदद करने का ऐलान किया है। दरअसल भारत ने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबरने की श्रीलंका की कोशिशों का समर्थन करने में रचनात्मक भूमिका निभाने की अपनी इच्छा दोहराते हुए हर संभव सहयोग का ऐलान किया है। कोलंबो में निर्माण बिजली एवं ऊर्जा एक्सपो 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भारत के उप उच्चायुक्त विनोद के जैकब ने कहा है कि भारत यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच हाल में गहरे हुए परस्पर संबंधों ने दोनों देशों के बीच दोस्ती और सर्वांगीण सहयोग को मजबूत किया है। जी हाँ, भारतीय अधिकारी ने यह भी कहा कि हम इस साल जनवरी में IMF की ऋण प्रक्रिया शुरू करने के लिए श्रीलंका को आवश्यक वित्त पोषण के संबंध में आश्वासन देने वाले पहले देश थे। जापान और पेरिस क्लब के साथ ऋणदाता समिति के सह अध्यक्ष के रूप में भारत रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बात भी माननी पड़ेगी कि भारत के इस बड़े दिल का श्रीलंका भी लोहा मानता है दोस्तों, और जमकर भारत की तारीफ करता नजर आ रहा है। जी हाँ, श्रीलंका ने बिल्कुल क्लियर कहा है दोस्तों कि भारत जैसी मदद किसी ने आज तक ना की थी, ना की है, ना आगे कोई कर पाएगा। यानी भारत ने जो मदद की है दोस्तों वो वास्तव में तारीफों के लायक है। बहरहाल पर अब आपकी जो भी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, देखते हैं क्या कहती है भारत की हमारी जनता। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां चाइना पर फूट पड़े बाइडेन, आखिर क्यों दी ड्रैगन को सावधान रहने की चेतावनी। आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक को लेकर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सावधान रहने की चेतावनी दी।
दी है। बाइडन ने कहा कि पुतिन को ये पता होना चाहिए कि बीजिंग की अर्थव्यवस्था पश्चिम के निवेश पर आधारित है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई जब ताइवान समेत कई मुद्दों को लेकर चाइना और यूएस आमने सामने है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन ने कहा कि ये कोई धमकी नहीं है और ये एक अवलोकन है। जब से रशिया से यूक्रेन पर हमला बोला है तब करीब 600 कंपनियां वहां से बाहर निकल गई है। आपने हमें बताया कि चीन की अर्थव्यवस्था यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के निवेश पर निर्भर करती है। सावधान रहे, सावधान रहे। दरअसल रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मार्च में एक बैठक हुई थी। आप सभी को पता होगा पुतिन और जिनपिंग के बीच हुई इस बैठक के बाद पश्चिमी के कई देशों ने इसकी आलोचना भी की थी। दोनों की बैठक के बाद भी यूक्रेन युद्ध पर किसी तरह के कोई राजनीतिक संकेत नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इस सप्ताह के शुरुआत में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन भी हुआ था जिसमें दोनों नेता शामिल हुए थे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां सीरिया ने बीबीसी पत्रकारों की मान्यता क्यों कर दी खत्म। आखिर क्या है बशर अल असद से कनेक्शन, आपको बता दें सीरिया ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण और भ्रामक रिपोर्ट का आरोप लगाया है। इसी के साथ सीरिया में बीबीसी पत्रकारों की मान्यता को भी खत्म कर दिया है। बिना मान्यता के कोई विदेशी मीडिया का पत्रकार किसी देश में रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। सीरिया के सूचना मंत्रालय ने कहा कि बीबीसी पत्रकारिता के पेशेवर मानकों का पालन करने में विफल रहा है। हाल ही में बीबीसी ने एक रिपोर्टिंग की थी जिसमें कैप्टागन नाम के एक नशीले पदार्थ के व्यापार को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के परिवार के साथ जोड़ा गया था। तो वहीं बीबीसी का दावा है कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता करता है। जी हाँ, पिछले महीने बीबीसी न्यूज अरबी पर कैप्टागन नाम के एक नशीले पदार्थ को लेकर खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इसमें कैप्टागन ड्रग्स के कारोबार और सीरियाई सैन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारियों और असद परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मिले हैं, जिसके बाद दोस्तों सीरिया जो है बीबीसी से चिढ़ गया है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इमरान खान ने आईएमएफ से मांगी गारंटी। क्या आप वादा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव समय पर होंगे, बता दें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से गारंटी मांगी है कि पाकिस्तान में आम चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे। हाल ही में घोषित $3 अरब के बेल आउट कार्यक्रम के तहत प्रमुख उद्देश्य और नीतियों के लिए आश्वासन और समर्थन पाने के लिए आईएमएफ के एक प्रतिनिधि मंडल ने लाहौर में पीटीआई प्रमुख से मुलाकात की। पाकिस्तान में इस साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि शहबाज सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बॉय व्यवस्था यानी SBA की समीक्षा और समर्थन की संभावना पर विचार के लिए वैश्विक ऋणदाता के कार्यकारी बोर्ड की बैठक से कुछ दिन पहले ये मुलाकात हुई है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार IMF के स्थानीय प्रतिनिधि एस्तेर पेरेज रूइज ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले एक नए IMF समर्थित कार्यक्रम के तहत प्रमुख उद्देश्य और नीतियों के लिए उनके समर्थन का आश्वासन के लिए थी। जी हाँ दोस्तों, चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर 21 जुलाई को भारत दौरे पर आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति PM मोदी से मिलने की उम्मीद। जी हाँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 21 जुलाई को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की उम्मीद है, अधिकारियों ने यहाँ यानी रविवार को जानकारी दी। बता दें कि डेली मिरर अखबार ने शनिवार को खबर दिया कि भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा विक्रमसिंघे की नई दिल्ली यात्रा की तैयारियों पर काम करने के लिए अगले सप्ताह की शुरुआत में श्रीलंका पहुंचेंगे। अधिकारियों के मुताबिक विक्रमसिंघे के भारत की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि विक्रमसिंघे नई दिल्ली रवाना होने से पहले द्वीपीय देश में बिजली और ऊर्जा, कृषि और समुद्री मुद्दों से संबंधित कई भारतीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन को अंतिम रूप देंगे। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के साथ कई सारे मंत्री भी आएंगे, जिनमें मत्स्य पालन मंत्री डगलस देवानंद, बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजय सेगरा, विदेश मंत्री अली साबरी और राष्ट्रपति स्टाफ सगला रत्नाई के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के साथ भारत आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कहिएगा। एक अतिथि देवो भव, जो अपने भारत का वैल्यूज और गुण है। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ पश्चिम बंगाल के 600 बूथों पर आज दोबारा होने जा रहा है मतदान। पंचायत चुनाव हिंसा में अब तक 18 की मौत की बड़ी खबर। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान भारी हिंसा देखने को मिली। ऐसे में कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें बदमाश बूथों पर गोलीबारी और बमबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से अब एक बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश भर के करीब 600 बूथों पर एक बार फिर से मतदान कराए जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में हुई हिंसा को देखते हुए यह फैसला लिया है। बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग यानी
आईबीसी के अनुसार आज सोमवार को सुबह 7 बजे से ही शाम 5 बजे तक करीब 600 बूथों पर फिर से मतदान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों चुनावी समय में ऐसे हादसे ऐसे घटनाएं पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं और किसी राज्य से सुनने को नहीं मिलती है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या ममता बनर्जी की सरकार फेल हो चुकी है शांति से चुनाव करवाने में? आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या बंगाल में सत्ता बदलनी चाहिए? दोस्तों देखते क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें जहां अमित शाह ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के एलजी से की बात, बारिश से बिगड़े हालात का लिया जायजा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बात करके मूसलाधार वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली है। अमित शाह जी ने रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करके मूसलाधार वर्षा के कारण बने हालातों की जानकारी ली। सिन्हा के साथ बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री ने मूसलाधार बारिश के कारण पिछले 2 दिन से स्थगित श्री अमरनाथ यात्रा जी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए की गई सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी बात की। जी हां उल्लेखनीय है कि भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा 2 दिन से स्थगित है। राजधानी दिल्ली में भी शनिवार से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जगह जगह जलभराव और सड़कों पर जाम की समस्या हो रही है। राजधानी के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण पानी भर गया है जिससे कुछ जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें जहां अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन के आदेश पर लगाया स्टे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी CAPF के लाखों जवानों को पुरानी पेंशन मिलने का सपना फिलहाल टूट गया है। इस साल 11 जनवरी को CAPF में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया था उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा था कि CAPF में 8 सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए। केंद्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं गई मगर अदालत से 12 सप्ताह का समय मांग लिया। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करें जहां आज बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल। भारी बारिश के बाद सीएम केजरीवाल का बड़ा फैसला। दिल्ली NCR में भारी बारिश के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह जल जमाव और सड़कों में गड्ढों की वजह से सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सोमवार को सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। जी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बारिश को लेकर बयान जारी करके कहा है कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात और मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए आज सोमवार को दिल्ली के सभी स्कूलों को 1 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों ये थे तो कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और